जिन लोगों ने सिद्धू के लिए गड्ढे खोदे वे उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढे में दफन हो गए। कहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी, चिंता नहीं चिंतन करना पड़ेगा। यह कहना ही करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं और आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस के केवल 18 कैंडिडेट ही चुनाव जीत पाए। खुद सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार गए हैं। सिद्धू ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जिंदगी में हार जीत बहुत देखी, अब मसला पंजाब का है। इसके अलावा सिद्धू ने इशारों इशारों में हार का सारा ठीकरा राहुल गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी पर फोड़ दिया। साथ ही सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ढोंगी और लालची भी बताया। आखिर क्या है पूरा मामला और नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं पंजाब के साथ रहूंगा। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे और सिद्धू को नीचा दिखाने की कोशिश की उन्हें भुगतना पड़ा है। यह राजनीति बदलाव की थी, जनता को बधाई जिन्होंने रिवायती पार्टियों को बदल कर रख दिया। जीवन में हार जीत बहुत देखी है, अब मसला पंजाब जीतने का है। आपको बता दे गुरुवार को सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की करारी हार को स्वीकार करते हुए आम आदमी पार्टी को जीत मिलने पर बधाई दी थी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ट्वीट किया था कि लोगों की आवाज भगवान की आवाज होती है, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, पंजाब के लोगों का फैसला सर आंखों पर है, आम आदमी पार्टी को जीत की बधाई। खास बात यह रही कि अमृतसर इस सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा और आपकी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया। सिद्धू ने अप्रत्यक्ष रूप से हार का ठीकरा सीएम फेस चरणजीत सिंह चन्नी के सिर फोड़ दिया। सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस घोषित किया था, मैंने तभी कह दिया था कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम सब साथ चलेंगे। चुनाव प्रचार में न जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस बार उनका चुनाव प्रचार के लिए जाना बनता ही नहीं था। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैंने आखिरी तक संयोग किया, मेरे हलके में भी चरणजीत सिंह चन्नी आए, कांग्रेस की इस चॉइस को लोगों ने माना या नहीं इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारा इरादा व सोच बड़ी है, हमारी सोच स्वार्थ में बंदी नहीं है। सिद्धू ने कहा कि क्रिकेट में 100 भी बनाते थे और 0 पर भी आउट होते थे, हार जीत का तो कोई मसला ही नहीं है, पंजाब कैसे जीतना यह मसला है, इसका एक मॉडल है और उस पर हम सभी खड़े हैं। आपको बता दे नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनने के लिए आतुर थे, लेकिन राहुल गांधी ने मतदान के ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस घोषित कर दिया था। यह पूछे जाने पर कि बेअदबी मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इस पर सिद्धू ने कहा कि कौन कहता है कि बेअदबी की सजा नहीं मिली, जिन्होंने कल के परिणाम देखे हैं क्या उन्हें समझ नहीं आया कि बेअदबी की सजा क्या है। सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस में रहते हुए माफिया के खिलाफ लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा, आपको लोगों ने 5 साल के लिए भरपूर बहुमत दिया, कांग्रेस को भी दिया था पर कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि लालची ढोंगी मुख्यमंत्री जिसकी बादलों से सांस थी उससे मैंने लड़ाई लड़ी, उसे उतारा, आपको हमने मौका नहीं देना, लोगों ने उन्हें 5 साल के लिए मौका दिया है, वक्त बताएगा कि आगे आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। आपको बता दे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा चुनाव में अमृतसर ईस्ट से मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योति कौर ने हरा दिया। सिद्धू के अलावा चरणजीत सिंह चन्नी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। राज्य में आम आदमी पार्टी ने कुल 117 में से 92 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल कर लिया। चुनाव में हार मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को अपने हलके में पहुंचे और लोगों को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने इशारों इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।